खुशखबरी 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 आप सभी के लिए, आप सभी के हित में दोस्तों लड़ाई जारी है और यहाँ पर अमर अनशन करने की जो है पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भूख हड़ताल जो है जारी हो चुकी है अनलिमिटेड काल तक। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमने आपको बता दिया गया था कि आप सभी के हित में लड़ाई जारी रहेंगे और तब तक लड़ाई जारी रहेंगे जब तक हम सभी जो है जीत ना जाए। तो वैसे में दोस्तों यहाँ पर जो है मंजूरी धूरी जो है आप सभी के बीच में आ रही है और वे जो है आप सभी के बीच में आकर अमर अनशन करने की पूरी के पूरी चेतावनी जारी कर दी है। पार्लियामेंट से लेकर पूरे स्टेट गवर्नमेंट तक का पूरा हिला कर रख देने वाले हैं। चाहे जब तक हम सभी की परीक्षा रद्द ना हो जाए तब तक हम सभी जो चैन की सांस नहीं लेंगे। वैसे में दोस्तों जो है आपका मंजूरी जो धूरी है वे आप सभी के पास यहां पर दोस्तों भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। तो कितने तारीख को भूख हड़ताल पर बैठेंगे दोस्तों, उसके लिए एक लेटर यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक लेटर यहाँ पर जारी करके सभी को देख पा रहे हैं। यहाँ पर सभी को केंद्र उच्च शिक्षण मंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यहाँ पर UGC जितने भी तमाम है सभी को जो यहाँ पर बता दिया गया कि हम अमर अनशन पर यहाँ पर बैठने वाले हैं दोस्तों। और इनको कितने लोग सपोर्ट करते हैं नीचे कमेंट लिखेगा जरूर, पूरी जानकारी दिखाएंगे, पूरी बात बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर यह मुंबई से है, इसमें जो भाषा है कुछ दूसरा भाषा लिखा गया, हिंदी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे भारतीय यहाँ पर अमर अनशन के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ये जो है 13 वर्ष से लगातार जो है ये काम कर रहे विद्यार्थियों के हित पर जो है लड़ रहे और अंतिम वर्ष की यहाँ जो परीक्षा रद्द नहीं होने के कारण जो है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है वह रद्द नहीं होने के कारण यहाँ पर अमर अनशन में बैठेगी। तो दोस्तों ये जो अमर अनशन थे वह जो है दोस्तों 1 अगस्त से शुरू होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश दोस्तों यहाँ पर ये जो डेट है अब 29 जुलाई को ही यह होने वाले। जैसे कि देख पा रहे हैं जो मंजूरी धूरी, इनका नाम है मंजूरी धूरी, ये जो है दोस्तों 29 जुलाई से ही यह जो है आप सभी के अमर अनशन में बैठने वाली है। तो आखिर सबसे बात इंपॉर्टेंट रहता है मंजूरी धूरी आखिर है कौन, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जो राष्ट्र जो भारतीय चित्र जो राष्ट्र ये अध्यक्ष है मंजूरी धूरी, आखिर ये दिखती कैसे, आई इनको भी आपको एक नज़र दिखा देते हैं। तो ये तो दोस्तों यही है आपका मंजूरी धूरी, जैसे कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं, यही आपका जो अमर अनशन पर करने वाले हैं। तो इनका जो है कितने लोग दोस्तों सपोर्ट करते हैं, एक बार हैशटैग लगा के मंजूरी धूरी आप जरूर नाम लिखें और लिखें कि ऑल सपोर्टेड ऑल फाइनल एग्जामिनेशन प्रमोटेड, इस प्रकार से दोस्तों आप जरूर कर सकते हैं। इनका जो है दोस्तों आपको बता दें ये 1 अगस्त से होने वाले थे, लेकिन दोस्तों इन्होंने अपने लेटर पर जो है दोस्तों लिखा गया कि 1 अगस्त को होने वाले थे, लेकिन हम जो अपनी जो डेट हो वो चेंज करके 29 जुलाई करते हैं। 29 जुलाई दोस्तों यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि अमर अनशन 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम सभी को डर है कि सुप्रीम कोर्ट फिर से 10 अगस्त का डेट कहीं टाल ना दे, इसीलिए 31 जुलाई से पहले जस्ट दो दिन पहले यानी कि कल से दोस्तों, कल से आप सभी के लिए यही जो है मंजूरी धूरी, इन्हीं का नाम है, ये अमर अनशन पर बैठने वाले हैं। तो सभी लोग इनका सपोर्ट जरूर करें। अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, आप इनसे बात करके इनके आसपास अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर आप जरूर यहाँ पर सम्मिलित हो। यहाँ पर देख पा रहे इनका नंबर भी यहाँ पर नीचे फ्लैश कर रहा है, तो आप जिन कैंडिडेटों को नंबर चाहिए आप डायरेक्टली फ़ोन करके आप बात भी कर सकते हैं इनसे, और सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनके साथ आकर जरूर एक बार हाथ में हाथ मिलाकर जरूर से जरूर बैठे दोस्तों। आप सभी के हित में ही लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे तब तक लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे, जब तक आप सभी के जीत ना मिल जाए। और हम सभी के लिए दोस्तों हमारे चैनल बनाए गए हैं आप सभी के हित में लड़ने के लिए, ताकि आप सभी का जो दोस्तों जीत हो जाए। और ये जो है लेटर दोस्तों, ये जो लेटर है सभी की जगह यहाँ पर बता दिया गया, जो थाने पुलिस से महाराष्ट्र पुलिस अध्यक्ष वहां भी भेज दिया गया। ये वैसे दोस्तों ये जो है यह लेटर स्पेशली दिल्ली पुलिस अध्यक्ष को यहाँ पर जो वहाँ पर यह लेटर स्पेशलिस्ट भेजा गया, इसके साथ साथ सभी को चेतावनी दिया गया। यहाँ पर देख पा रहे नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह के साथ UGC के जो गाइडलाइन है उन्हें भी सभी को यहाँ पर बता दिया गया। तो अब यहाँ पर यह देखना है कल पता चल जाए कि आखिर UGC जो अपनी गाइडलाइन को वापस लेते हैं या इसी तरह से मंजूरी धूरी को अनलिमिटेड यानी अनिश्चित काल तक अपने जो है अनशन पर बैठने पर मजबूर होना पड़ता
पड़ता है। तो भारत की सरकार क्या चाहती है ये आने वाले कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा दोस्तों। अगर मंजूरी धुरी में क्या क्या होगा, वहां पर किस प्रकार से हंगामा होगा, पूरी जानकारी दिखाएंगे, वो भी आपको लाइव दिखाएंगे। इस चीज के लिए जानने के लिए दोस्तों स्टूडेंट रिसर्च को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और जुड़ जाएं आने वाला हर प्रकार का वीडियो देखने। सभी लोग एक बार हैशटैग लगा के मंजूरी धुरी का नाम जरूर लिखें, क्योंकि ये आप सभी के हित में दोस्तों अनशन पर बैठने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।